खबर है सोनभद्र से, जहां संविदा कर्मचारियों ने विद्युत विभाग आला अधिकारियों को दी चेतावनी। मांगे नहीं पूरी होने पर आपातकालीन पर बैठेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर कमला तिवारी गर्मजोशी से दिया बयान। शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री किसान गन्ना संस्था के विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश का 73वां वार्षिक महोत्सव किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को चुनाव हुआ। चुनाव में विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमला तिवारी को सर्वसम्मानित चुना गया। सम्मेलन के दौरान संविदा की समस्याओं को लेकर प्रबंधन से वार्ता करनी थी, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने सम्मेलन स्थल पर गेट पर ही ताला लगा दिया और भारी पुलिस तैनात कर दी। जी, आपकी क्या परिचय है? मेरा नाम भोला सिंह कुशवाहा। मैं इससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश रहा। वर्तमान में विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी संगठन ने दिया है और मैं इसका निर्वहन तन मन धन से करूंगा। और पूर्व के भांति मैं संविदा कर्मचारियों के हित के लिए अपना पूर्ण समय देता रहूंगा और इनके खिलाफ़ अगर किसी तरीके से अन्याय हुआ तो मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। संविदा के वेतन बढ़ोतरी के संबंध में एक्चुअली हम लोगों का वेतन बहुत ही अल्प वेतन है, 8,000-10,000 आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है, जिसकी मांग को लेकर के हम लोग 5 साल से प्रबंधन के यहाँ जा करके ज्ञापन दिया, जो कुछ भी था किया, लेकिन प्रबंधन ने किसी प्रकार का कोई हम लोगों का सहयोग नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने योजना बनाई है कि अब हम लोग बिजली को 28 तारीख को बंद करने का काम करेंगे। सुरक्षा को लेकर कई बार विद्युत कर्मी जो है चोटिल हो जाते हैं, कई बार कैजुअल्टी हो जाती है, तो इसे लेकर के क्या योजना है आप लोग की, कैसे आप लोग क्या मांग रखते हैं? जी, हम लोगों ने पहले से ही मांग रख चुका है और उसमें से लगभग सारे सेफ्टी के सामान मिल भी चुके हैं, कुछ बाकी है जिनको कि जल्द दिला दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार मुकम्मल व्यवस्था सेफ्टी को लेकर कर रही है? अगर मुकम्मल व्यवस्था सेफ्टी की नहीं करेगी तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और उनको झुका करके हम अपनी व्यवस्था को बनाएंगे।